एक बात याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान खुद ब खुद नहीं आता है। एक्चुअली ये ना मेरा डायलॉग है और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन खुद नहीं आता है, उसको लाया जाता है। और लाने वाला है इंसान आपका पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर है, जो लड़का है, जो लड़की है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो कोई इंसान है, वो इंसान थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में ला रहा है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा इंसान आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, यानी कि थर्ड पर्सन इन रिलेशनशिप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये जो बात है ना, थर्ड पर्सन इन रिलेशनशिप, ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसको पहले समझो क्या है ये। थर्ड पर्सन इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी इंसान आपका पार्टनर है, वो दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान आ जाना, इसी को कहते हैं थर्ड पर्सन इन रिलेशनशिप। मतलब कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया। एक बात याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान खुद ब खुद नहीं आता है। एक्चुअली ये ना मेरा डायलॉग है और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन खुद नहीं आता है, उसको लाया जाता है। और लाने वाला है इंसान आपका पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर है, जो लड़का है, जो लड़की है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो कोई इंसान है, वो इंसान थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में ला रहा है। जानते हो क्यों? इंटरटेनमेंट के लिए, मजाक के लिए, मौज मस्ती के लिए। जी हाँ, रिलेशनशिप जानते हो डैमेज क्यों होता है? आज के टाइम में जो 90% रिलेशनशिप है, उसके डैमेज होने का ना, उसके खराब होने का सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो वो है थर्ड पर्सन, ये तीसरा इंसान, किसी तीसरे का दो लोगों के बीच में आ जाना। ये ना सामने वाला जो इंसान आपका पार्टनर है, वो ला रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और ये ना वो जानबूझ के कर रहा है। क्योंकि ना जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना किसी के साथ, तो ना वो उस इंसान को सीरियसली नहीं लेते हैं, उस इंसान के प्यार को, उस इंसान के इमोशंस, फीलिंग, इन सभी चीज़ों को ना वैल्यू नहीं देते हैं, उसका कदर नहीं करते हैं, उसको ना लात मार देते हैं। और सामने वाला इंसान जो है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ इंगेज होने लगता है, उससे बात करने लगेगा, उसको कॉल करने लगेगा, उसको मैसेज करने लगेगा, या तो फिर अगर सामने वाला इंसान जो तीसरा इंसान है वो खुद अगर इसको कॉन्टैक्ट करेगा आपके पार्टनर को, तो ये ना नहीं कहेगा। और ना नहीं कहना हाँ की मर्जी होती है, कि अगर आपको कोई इंसान प्रपोज कर रहा है, आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कहीं से रीच कर रहा है आप तक, कहीं से वो पहुंच रहा है, तो भैया आप उसको मना क्यों नहीं किए? आप तो रिलेशनशिप में थे ना, आप किसी इंसान से कमिटेड हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो यार, और आप फिर उस इंसान को मना नहीं कर रहे हो जो इंसान आपको रीच कर रहा है। उस इंसान को आप साफ लफ्ज में मना करना चाहिए था, स्ट्रिक्ट उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, और नहीं तो आपको अपने पार्टनर से ये सारी चीज शेयर करना चाहिए था। बट 90% में लोग जानते हो क्या करते हैं, मजा लेने के चक्कर में, कि भैया इससे भी बात करेंगे, इससे भी बात करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे, इसको भी मैसेज करेंगे। मतलब दो लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे, अगर ये नहीं तो ये अवेलेबल तो रहेगा ना, तो ये क्या है? अब सामने वाला इंसान के इमोशन, उसके फीलिंग, उसके प्यार की कदर कब किए भाई? आप तो टाइम पास कर रहे हो, आप तो ड्रामा लगा के रखे हो। ये सुनने में कड़वा लग रहा है, आपको भी सुनने में कड़वा लग रहा होगा, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा करेगा ना तो आपको सुनने में ये बहुत बुरा लगेगा, बट ये सच है। सामने वाला इंसान ना आपको बहुत ड्रामा क्रिएट करेगा, वो बहुत बहाना देगा कि भाई ना वो इंसान हमें कॉन्टैक्ट किया, हम तक पहुंचा, हम तक रीच किया, हमको नहीं पता था, गलती से हो गया। नहीं यार, जानबूझ के तुम किए हो, गलती नहीं होती है। गलती जानते हो किसको कहते हैं? गलती का मतलब होता है कि हम एक शीशे का ग्लास या कप लेके जा रहे थे, वो गिर गया, फूट गया, बाई मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट। वो है गलती, वो है मिस्टेक। यार आप ड्रामा कर रहे हो महीनों से, कई दिनों से आपके और उस इंसान के बीच में ये सब कुछ चल रहा है, और ये गलती से हो गया, एक दिन का चीज था जो गलती से हो गया, बाई मिस्टेक हो गया। नहीं, आपने जानबूझ के, प्लेजर के लिए, मजा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या हो सकता है उस इंसान से आपको कुछ और चाहिए होगा, सुनने में कड़वा लगेगा, उसके वजह से आप ना इस इंसान के फीलिंग, इसका इमोशन सब का आप धजिया उड़ा के रख दिए, बैंड बजा के रख दिए, और आज आप ड्रामा कर रहे हो, आज आप एक्टिंग कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं था। नहीं, आपको हर एक चीज़, आपको हर एक बात पता था, आप जानते थे कि ये जो हम कर रहे हैं ना वो गलत है, आज नहीं तो कल ये चीज़ बाहर आएगा, और जिस दिन बाहर आएगा उस दिन सामने वाला को बहुत बुरा लगेगा। और आज जब बाहर आ रहा है, आज सामने निकल के आ रहा है, तो आप सामने वाला को पर्दा डाल दे रहे हो उसके आँख पे, और बोल रहे हो कि भैया ये सब चीज़ गलती से हो गया, फॉल्ट था। आपने जानबूझ के उस थर्ड पर्सन को, जो तीसरा इंसान है, उसको अपने रिलेशनशिप में लाया है, बल्कि अपने रिलेशनशिप में नहीं, इसके साथ तो आप कभी सीरियसली थे ही नहीं। क्योंकि जो इंसान सीरियस होगा ना, कभी किसी इंसान से दोस्ती रखना, उससे फ्रेंडशिप रखना, बेस्ट फ्रेंड बनाना, एज अ फ्रेंड बात करना, ये सब बहुत दूर की बात है, उससे बात तक नहीं करेगा। और अगर कभी करना भी पड़े ना किसी रीजन के वजह, किसी कारण के वजह से, तो वो इंसान ना इससे जरूर ये चीज़ शेयर करेगा जो उसका पार्टनर है। क्योंकि भाई लॉयल्टी यही भी होती है ना, ऑनेस्टी किसको कह रहे हैं, सच्चाई क्या है? हमारे बीच में जो कुछ भी है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए ना। दो इंसान, आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड, दो इंसान के बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी चीज़ छुपा नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो आपने पूरा का पूरा सीन हाइड करके रखा है, आप
थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो इनडायरेक्टली, जब आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ बिजी हो, किससे बात कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, आप किसके साथ इतना दिन तक टाइम बिता रहे हो, तो आप सीधे बहाना करते हो भैया कि ये मेरी बहन थी, कजन था, कजन सिस्टर थी, कजन ब्रदर था, मेरी बुआ थी, मेरे मामा थे, मेरे नाना थे, और हम उनसे ना रात रात के 2-2 बजे, 1-1 बजे, 12-12 बजे तक बात कर रहे हैं। ये तो ड्रामा नहीं तो और क्या है? दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो अपने मामा अपने बुआ से रोज पर डे 1.5-2-3 बजे तक बात करेगा? नहीं यार, कोई इंसान नहीं बात करता, बहुत रेयर केस में। समझ में आया? डेली का डेली ये ड्रामा है, और आप सामने वाला इंसान के आंख में धूल झोंक रहे हो, उसके साथ चीट कर रहे हो, और आपने जानबूझ के इस थर्ड पर्सन को लेके आया है, या फिर अगर आपका पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है, वो इंसान अगर ऐसा किया है आपके साथ, थर्ड पर्सन को लेके आया है, और फिर आपको एक ना कहानी सुनाने का कोशिश कर रहा है, एक ना ड्रामा क्रिएट कर रहा है, आपको झूठी दिलासा दे रहा है कि वो सिर्फ गलती से हुआ, नहीं, ये सिर्फ एक चालबाजी थी, आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया, दैट्स इट। और ऐसे इंसान का नियत जो है ना, वो कभी सही नहीं होता है। ये आज आपके हैं तो कल किसी और के, तो परसों किसी और के, और ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना ना सांप के बिल में हाथ डालना, और ये उम्मीद करना कि सांप सोया होगा। ध्यान समझना दोस्त, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना, बिल्कुल वही बात हो गई ना कि सांप के बिल में हाथ डाल दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं कि सांप ना सोया होगा, हमें काटेगा नहीं, ये वही बात हो गई। ऐसे लोगों पे ना कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग आपके होने के बाद भी किसी और इंसान से बात करता है, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये लोग ना, आप सोते रहोगे, आपका गला कटवा देंगे, और उफ तक नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को, और बोलेंगे ना, ये तो गलती से हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था ये कब हुआ। ये ड्रामा करने में, एक्टिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनके ब्लड में ना हीमोग्लोबिन की जगह पे सिर्फ और सिर्फ चीट है, सिर्फ सिर्फ धोखा है, सिर्फ और सिर्फ बहाना है, झूठ है, एक्सक्यूज है, दैट्स इट। और आप जो हो ना, जो ऐसे लोगों को अपने सिर पे चढ़ा के रखे हो, ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, इसीलिए आपका ये काट के चले जाते हैं। सुनने में कड़वा लग रहा है, क्या करोगे, मेरा आदत है, हम बात जो बोलते हैं उस पर दम होता है, कड़वा है लेकिन सच है, याद रखना इस बात को। इसलिए ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी लड़का लड़की, कोई भी इंसान, चाहे वो इंसान आपके दिल के कितना भी करीब हो, अगर वो इंसान ऐसा गेम खेला है, उस इंसान को ना कभी दोबारा मौका मत देना, उस पर ट्रस्ट मत करना, उसको हाथ जोड़ना, आप तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ इतना दिन रहे लेकिन अब नहीं रहेंगे, बस एक लाइन में। क्योंकि ऐसे लोग ना एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं रिलेशनशिप में, ये ना इनको हमेशा नया कुछ चाहिए, बात समझ में आया, नए लोग चाहिए, नया पर्सन चाहिए, नया लड़की, नया लड़का, नया गर्लफ्रेंड, नया बॉयफ्रेंड, ये इंसान को बदलते रहते हैं कपड़ों के जैसा, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी ब्यूटीफुल हो, कितनी भी अच्छी हो, क्यूट हो, कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये आँख में आँख डाल के मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ बोलना होगा, आपके अंदर से ये चीज़ आना चाहिए कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते हैं। अगर आपको अपना लाइफ जो है उसको बेहतरीन बनाना है, उसको पीसफुल बनाना है, उसको शांति प्रिय बनाना है, उसको ऐसा बनाना है जिसमें यार कोई भी इंसान देखे तो बोले क्या यार लाइफ है इसका, क्या अमेजिंग लाइफ है। अगर आप चाहते हो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, हर तरीके के प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हो, तो सिर्फ आपको यही करना होगा, अदरवाइज आपको ऐसे लोग हमेशा हर्ट करते रहेंगे, हमेशा तकलीफ देंगे, हमेशा आपसे झूठ बोलेंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपके भरोसा, आपके ट्रस्ट को हमेशा तोड़ते रहेंगे, और आपके फीलिंग्स के साथ खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, याद रखना इस बात को। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, या फिर जो इंसान ऐसा कर रहा है किसी के साथ, उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।